नगर परिषद महेश्वर के पार्षदों ने नगर परिषद की कार्य प्रणाली के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हुए नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ नारे लगाए। रैली का नेतृत्व वार्ड नंबर 2 के पार्षद जितेंद्र केवट, पार्षद विक्रम पटेल, पार्षद प्रतिनिधि अशोक कर्मा, नीलेश बिछवे, मनोहर गाड़गे, दिलीप सोनी द्वारा किया जा रहा था। रैली के दौरान आक्रोशित नगर वासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आवास योजना में शासन की सहयोग राशि नहीं मिलने, सड़क निर्माण, पट्टा वितरण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। रैली नगर के गांधी चौक से प्रारंभ होकर एमजी मार्ग होते हुए नगर परिषद पहुंची। आक्रोशित लोगों ने परिषद कार्यालय के प्रवेश द्वार पर अपने हाथों से ताला जड़ते हुए सीएमओ के कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। नगर वासियों ने पार्षदों के मार्गदर्शन में लगभग 2 घंटे तक परिषद के अंदर और बाहर धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। निर्माण कार्य के प्रस्ताव हुए थे उसको एप्लीकेबल नहीं कराया गया और निर्माण कार्य नहीं हो रहे विकास का, तो कुछ निर्माण कार्य निरंतर जो आचार संहिता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की रही है उसके कारण भी लंबित हुए। कुछ में ये अवरुद्ध हुआ है कि यहाँ पे उप यांत्रिकी भी नहीं था, इस वजह से लंबित हुए हैं, मैंने देखा है। और अभी हम लोगों ने अभी 4-5 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत करवा लिए हैं, टेंडर भी हो गए हैं, बाकी जो है उनके शीघ्र ही हम TS और ये करवा के उनके भी कराए। सर, लास्ट चुनाव विधानसभा का हुआ था जिसको 7 महीने हो चुके, उसके बावजूद PM आवास के काम क्यों रुके हुए? PM आवास के कार्यों के संबंध में बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों द्वारा जैसे पट्टा पिता के नाम पे है, जिनमें विसंगति है उनको बकायदा रोक है, लेकिन इनके काम व्यवस्थित है वो तो होना चाहिए ना। तो उनसे राशन डली बीच में अभी मेरे आने के पूर्व एक शिकायत हुई थी कि अब पात्रों को राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसकी वजह से शासन द्वारा जांच बिठाई गई थी, इस कारण से लंबित था। और हमने अभी राशि डालना चालू कर दी, करीबन हमने 30 से 35 लाख के करीब हमने उसमें राशि भी डाल दी है, अभी कल परसों में मैंने राशि डाली है। बाकी और कई कामों को लेकर भी आक्रोश था पार्षदों का, नगरवासियों का, सफाई को लेकर, नगर निर्माण कार्यों को लेकर भी? निर्माण कार्यों को लेकर यही आक्रोश था कि निर्माण कार्य चालू नहीं हुए, बाकी सफाई के संबंध में तो मेरे को भी किसी ने बताया नहीं है। और वैसे भी मैंने पार्षदों के सुपुर्द यहाँ के अपने सफाई कर्मचारियों को कर दिया है कि अगर नहीं आते तो आप उनकी मुझे जानकारी दे दें, मैं उनकी एब्सेंट लगाऊंगा। कर्मचारियों के गलत व्यवहार की भी शिकायतें आ रही हैं? कर्मचारियों के गलत व्यवहार की शिकायत के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे बदतमीजी कर रहा है तो बहुत ही खेदजनक है, लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपनी संसदीय भाषा का उपयोग करें। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जूते मारेंगे और ये करेंगे, इस तरह की बातें आई तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि कर्मचारी आगे कर्मचारी हैं, ठीक है गलती कर रहा है आप दें, हम उसके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करेंगे, निलंबन के प्रस्ताव भेजेंगे, पर बड़े दुखद है। एक बड़ा गंभीर सवाल सर आ रहा है कि PM आवास योजना में भी लेन देन की चर्चाएं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई मेरे कर्मचारी ने अगर किया है तो आप प्रमाणित करें, 24 घंटे के अंदर उसके निलंबन के आदेश में संबंधित को दे दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।